हेलो एंड वेलकम, में स्वागत है आपका 4x4Unbox में। तो आज हम बात करने वाले मोटोरोला के स्मार्टफोन के। तो उससे पहले बता दो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं सीधे फ़ोन की तरफ। तो फोन मोटोरोला बैक टू बैक नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करा है, बहुत बढ़िया। तो ये होने वाला है मोटो G30 का सक्सेसर, जो होगा मोटो G31। तो शुरू करते हैं फ़ोन की फ्रंट साइड से। तो इसके अंदर 6.4 इंच का फुल HD प्लस OLED पैनल देखने मिल जाता है, जो मोटो G30 के अंदर IPS LCD देखने मिल गया था। और सेंटर में इसके पंच होल कैमरा होगा, जो मोटो G30 के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच था। और बैक साइड की बात करें तो वर्टिकल एंगल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, दूसरे दो कैमरे का भी कुछ पता नहीं है। और बैक साइड में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाएगा। और तो बात करें बैटरी की, तो इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी के साथ में आपको 10W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाएगा। तो और इसके साथ में आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, और हो सकता है कि एंड्रॉयड 12 भी आ सकता है आउट ऑफ बॉक्स, तो अभी ये लिक्स है। और फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, तो मोटो G30 की प्राइस थी 13,500 और मोटो G31 की प्राइस हो सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते 15,000 के आसपास हो सकती है इसकी प्राइस। तो आपको कैसा लग रहा है ये फ़ोन, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो चलो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।